तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नारियल तेल हम घर पर कैसे बना सकते हैं बिना गैस जलाए, यानी कि कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल हम घर पर कैसे बनाएंगे। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सूखे नारियल से नारियल तेल कैसे बना सकते हैं, तो वो वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया था। आज मैं दूसरे तरीके से नारियल तेल बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों ने कच्चा नारियल ले लिया है। कच्चे नारियल को हमें पहले छिलका निकालना होगा इसका। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने हाई फ्लेम पर नारियल को पहले रख दिया है। इसको हमें भूनना होगा तब तक जब तक कि इसमें से बाहर कुछ दरारें जैसी नजर नहीं आने लगती हैं। पानी हमें पहले नारियल का निकाल लेना है, उसके बाद में इसको गर्म करना होगा। तो हम इसको पलटते रहेंगे, या तो आप नाइफ इंसर्ट कर सकते हैं इसकी आइस के अंदर, और उसके बाद में इसको इस तरह से रोटेट करना है हमको, और चारों तरफ से इसको हमें अच्छा से गर्म करना होगा। यहाँ देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए इस तरह की दरार इसमें नजर आ रही है। बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हमें कपड़े में निकाल लेंगे। यहाँ देखिए हमने इसको किचन टावल में ले लिया है, और किसी भी भारी चीज से हम इस पर इस तरह से चोट लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकलने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रही होंगी, इसमें और भी दरारें पड़ने लगी हैं। तो इस तरीके से किसी भी भारी चीज से हम इस तरह से निकालेंगे तो पूरा छिलका इस तरीके से निकल जाएगा। देखिए बस इसको हम चोट मारते जाएंगे और इस तरह से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पानी निकाल करके नारियल का थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीजर में रख दें, बीच में से तोड़ करके फ्रीजर में डाल दें, और थोड़ी देर बाद जब आप इसको इस तरह से चोट मारकर निकालेंगे तो पूरा छिलका आसानी से निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको गर्म करके भी निकाल सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान तरीका है, इससे भी छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, या फिर जो मशीन आती है उससे भी आप इसको ग्रेट करके निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल रहा है। पर इस तरीके से हम पूरे नारियल को अच्छे से छील लेंगे, और उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग में आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए हमने पूरे नारियल को छील लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। तो इसको बड़े बड़े पीसेस में हम लोग कट कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर साफ पानी लिया हुआ है। पानी के अंदर इसको हम डिप करके हाथों से रगड़ते हुए इसको अच्छे से हमें क्लीन करना होगा, क्योंकि जिस जहां पर भी थोड़ा सा काला पानी इसमें नजर आ रहा है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, जिससे हमारा तेल बहुत ही अच्छा क्लीन बनेगा, और जो इसका हम बुरादा बाद में बनाने वाले हैं वो भी एकदम व्हाइट बनेगा। तो इस तरीके से देखिए हाथों से रगड़ते हुए हम इसका पूरा कालापन जो भी इसमें आया है, ऊपर से जो भी गंदगी इसमें आई है वो निकाल देंगे, और इसको हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने पूरा अच्छे से इसको धो लिया है, अब इसका जो छिलका है वो हमें निकालना है। तो हम पीलर की सहायता से इसको पूरे छिलका को निकाल देंगे। अगर आपको बुरादा बनाना है इसका, साथ में नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट बनाना है, तो आप इसको इस तरह से छील दीजिए। अगर आपको नहीं बनाना है तो आप ऑयल तो डायरेक्ट भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नारियल वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए हम इसके साथ में डेसिकेटेड कोकोनट भी बना लेंगे, जिससे कि वो भी हमारे यूज आ जाएगा और हमारी जो ऑयल बनेगा वो भी यूज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने नारियल का यूज किया था वो 470 ग्राम का हमारा नारियल था। यहाँ पर देखिए हमने पूरे नारियल को छील लिया है, अब इसको हम छोटे छोटे बाइट्स में इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो सूखे नारियल से बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, मैंने सूखे नारियल से घर पर ऑयल बनाना बताया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने नारियल को अच्छे से कट कर लिया है, अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें हम सारे नारियल के पीसेस को इसमें डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। हमें इसमें बहुत ज्यादा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस इतना ही हमें इसमें पानी डालना है कि एक अच्छा सा पेस्ट इसका बन जाए, जिससे कि हम इसको स्क्वीज कर सके और नारियल का दूध इसमें से निकाल सके। तो यहाँ देखिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया, फिलहाल आधा ग्लास पानी डाला है, और लगभग लगभग 3/4 ग्लास इसमें पानी और लग सकता है हमें, तो टोटल हमें 1 ग्लास पानी इसमें लग सकता है। थोड़ा थोड़ा करके हमने पीस लिया है। यहाँ पर एक बोल के ऊपर हमने एक चलनी रख ली है, और उसके ऊपर एक कपड़ा रख लिया है इस तरीके से। और अब हम पूरे जो पेस्ट हमने बनाया था नारियल का, उसको इसमें हम डाल करके इसको स्क्वीज कर देंगे, इससे नारियल का दूध बाहर निकल आएगा। और आप चाहें तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आप उसको पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है, या फिर आप उससे इस तरह से ऑयल भी निकाल सकते हैं। और जो नारियल का दूध निकलता है उसके बाद हम उसमें से क्रीम भी बना सकते हैं, जो केक पर हम व्हिपिंग क्रीम लगाते हैं ना, वो भी उससे बनाई जा सकती है। वो कैसे बनाते हैं मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगी। यहाँ देखिए हमने इसको पूरे नारियल को कपड़े में निकाल लिया है। आप 2-3 बार ऐसा करें, जैसे एक बार अभी हम इसको स्क्वीज करके पूरा दूध इसमें से निकाल देंगे, उसके बाद में आप इसको मिक्सी में डाल करके दोबारा हल्का सा पानी डालकर फिर से पीस लें और फिर से इसको स्ट्रेन कर लें। तो लगभग 3-4 बार आप ऐसा करेंगे तो काफी अच्छे से दूध इसमें से निकल आता है, और बहुत अच्छे से क्रीम भी बन सकती है, काफी मात्रा में ऑयल भी निकल आएगा। आपको इसको स्क्वीज जो करना है वो काफी अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छे से ताकत के साथ में इसको स्क्वीज करें, जैसे कि पूरा दूध उसमें से अच्छे से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से दोनों हाथों से इसको दबाते हुए हमें इसको स्क्वीज करना है, पूरा पानी इसका निकाल देना है। 2-3 बार आप ऐसा करें। यहाँ देखिए मैंने इसको 3 बार इस तरह पानी इसका दूध निकाला था, और ये देखिए इतना सारा दूध हमारे पास इकट्ठा हो गया है। और ये जो हमारे साइड में बचा हुआ है ये नारियल का बुरादा, इससे बनाएंगे हम लोग।
तो इसको हम पूरे थाली में अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए एकदम सूख गया है, बिल्कुल ऑयल इसमें से नहीं बचा है। इसको अच्छे से प्रेस करते अगर हम निकालेंगे तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं बचेगा और एकदम सूखा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट हमारा बनेगा। इस कोकोनट पाउडर को हम लोग किसी भी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके लड्डू बना लीजिए, बर्फी बना सकते हैं, या खीर वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, अच्छे से इसको ड्राई कर लीजिएगा धूप में रख करके। अब ये जो हमारा दूध बचा है, या तो आप इसको पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इसको ऑयल बनाना है तो अभी हम इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, ढक करके फ्रिज में ऐसे ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद में हम अगले दिन देखेंगे इसकी आगे की प्रोसेसिंग इसकी कैसे करनी है। यहाँ देखिए दूसरा दिन हो गया है, तो हमने क्या किया है, उसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया था, और यहाँ पर इसके ऊपर आपको एक परत दिखाई देगी। मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि इसमें नीचे पानी है, ये देखिए इसके नीचे पानी पानी जैसा नजर आएगा, और ऊपर एकदम व्हाइट एक लेयर से बन गई है। तो ये जो है ये क्रीम है, और इसी में से हमारा ऑयल और व्हिपिंग क्रीम बन सकती है। लेकिन इस तरीके से हमें इसको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे, लगभग आधे घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रख देंगे, जिससे कि जो ऊपर की क्रीम है वो कड़क हो जाएगी और उसको निकालने में हमें आसानी होगी। तो आधा घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में छोड़ देते हैं, और उसके बाद में हम इसकी क्रीम निकाल करके अलग करेंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर की जो परत है वो जम चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की क्रीम को अलग निकाल लेंगे। ये देखिए हम किसी भी स्क्रैपर की सहायता से या स्पून की सहायता से इसको अलग से निकाल लेंगे क्रीम को, और एक बोल में इकट्ठा कर लेंगे। अभी जो हम क्रीम निकाल रहे हैं, अगर इसमें से ऑयल निकाल रहे हैं तो उसका अलग तरीका है। अगर आप इसमें से व्हिपिंग क्रीम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको अलग करके और इसको बस ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। इलेक्ट्रिक बीटर अगर आपके पास हो तो आप उसको बीट कर सकते हैं, और उसमें बाद में शुगर ऐड करके इसकी व्हिपिंग क्रीम भी बनाई जा सकती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अलग से इसका वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगी। यहाँ देखिए हम पूरी क्रीम को इस तरह से इकट्ठे कर रहे हैं, जो जमा हुआ पार्ट है वो पूरा हमारा क्रीम है, तो हम उस पूरी जमे हुए पार्ट को निकाल लेंगे, और जो ये दूध बचेगा ये हमारे फिर अब कुछ काम का नहीं रहता, आप इसमें से आटा वगैरह लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको पूरे को इकट्ठा कर लेते हैं। अब या तो क्योंकि हमें कोल्ड प्रेस बनाना है, तो ये देखिए हमारे पास ये पूरी क्रीम इकट्ठी हो गई है, आप इसको व्हिप करके व्हिपिंग क्रीम भी बना सकते हैं, या फिर देखिए हमने यहाँ पर इसको धूप में रख दिया है, और धूप में ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, तो ऑयल हमारा अलग हो जाएगा और जो उसका कर्ड पार्ट है वो अलग हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको सूखे नारियल का तेल, सूखे नारियल से तेल बनाना सिखाया था ना, उसमें हमने गर्म करके बनाया था, आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने कोल्ड प्रेस बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है वो कर्ड है, और जो ऊपर दिख रहा है वो ऑयल है, इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसको स्ट्रेन करके और पूरे ऑयल को इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए नीचे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये कर्ड है, इसको हम निकाल देंगे और ऊपर से हम इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। ये देखिए इसमें से बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ही मात्रा में निकलता है, लेकिन क्योंकि एक साथ में जब ज्यादा नारियल का निकालते हैं तो काफी मात्रा में निकल आता है। तो अगर आपको ज्यादा बनाना हो तो आप एक साथ में ज्यादा नारियल का यूज करें। मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही नारियल का यूज किया था, तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में हमारे पास ऑयल निकला है, लेकिन ये ऑयल जो होता है बहुत प्योर होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होता है, इसमें चिकनाई भी काफी अच्छी होती है। तो आप इसको खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अपने बॉडी पार्ट्स के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, एज ए मॉइस्चराइजर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा चिकना होता है, हेल्दी भी है, क्योंकि हमने घर में बनाया है तो कोई मिलावट भी इसमें नहीं है। अब देखिए एकदम व्हाइट एकदम ट्रांसपेरेंट हमारा ऑयल बना है, एकदम प्योर है, हमने घर पर ही बनाया है, और कोल्ड प्रेस है तो ये ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मेरा वो वाला वीडियो देखिएगा जिसमें हमने गर्म करके इसको बनाया था, मुझे 2 दिन की धूप में ये पूरा मेल्ट हुआ था। तो अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो आप गर्म करके भी इसको निकाल सकते हैं, जैसे उसमें हमने निकाला था, वो वीडियो देखिएगा जरूर, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये ऑयल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैं स्किन पर आपको लगा कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज्यादा इसमें चिकनाई है, हमने घर पर बनाया है तो ये कितना ज्यादा प्योर है, 100% शुद्ध नारियल तेल हमारा घर पर बनकर तैयार हुआ है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, और ये देखिए कितनी ज्यादा चिकनाई इसके अंदर आपको नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग भी तेल बना सकते हैं घर पर ही, चाहे तो आप फ्रेश नारियल से बनाएं या फिर आप सूखे नारियल से भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो कहीं भी पसंद आता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके।